और पहल जी, किधर चले हो वेकेशन पे शादी के बाद? हाँ, हम सोच रहे हैं टू एक्सप्लोर यूरोप जस्ट लाइक राजन सिमरन और डीडी अजय, यू नो। कैसा है आइडिया? आइडिया तो मस्त है, लेकिन मेरी सिमरन, तुझे पता है कि अगर फॉरेन ट्रैवल करते हैं तो इनकम टैक्स की कंप्लायंसेस भी करने पड़ते हैं, जो डीडी अजय में नहीं बताया है। ओह माय गॉड, बताते क्या कंप्लायंसेस होते हैं? जैसे कि अगर किसी साल में आपका फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंस 2 लाख रुपए से ज्यादा है तो उस साल में आईटीआर फाइल करनी मैंडेटरी है, इवन इफ आपकी टैक्सेबल इनकम थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे है। और क्या आपको पता है कि फॉरेन टूर बुकिंग पे अब 20% टीसीएस भी चार्ज होगा? तो अगर आप 10 लाख रुपए के करीब स्पेंड करने की सोच रहे हो अपने ट्रैवल पे, तो टैक्स ऐड करके 12 लाख रुपए का खर्चा हो जाएगा। 20% टीसीएस? इस वजह से मैं चिंता कुल्लू मना के गिर जाऊं। पैंजी पर इतनी चिंता मत करो, कुछ ट्रांजेक्शन है जिसपे टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होता है, तो फटाफट बता। 1, अगर आप अपनी बुकिंग इंटरनेशनल डेबिट या क्रेडिट कार्ड से करते हो और इसी इंटरनेशनल टूर ऑपरेटर के थ्रू करते हो तो 7 लाख रुपए का टीसीएस नहीं है। 2, ये एक्सेंशन लिमिट पर पर्सन है। बहन जी, आप अपनी बुकिंग अपने कार्ड से और जीजू की बुकिंग उनके इंटरनेशनल डेबिट या क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो। 3, इनफैक्ट स्मार्टली एक सिंगल पैकेज लेने की जगह फ्लाइट, होटल, ये सब सेपरेट बुकिंग्स में भी बुक कर सकते हो। एंड ऑफकोर्स ये तो 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल है ना, तो 1 अक्टूबर 2023 से पहले ही घुमाओ। थैंक्स यार नेहा, यू सेव्ड मी। सिर्फ थैंक्स से काम नहीं चलेगा, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड डू टैग अस। कीप फॉलोइंग मास्टर ब्रेन्स फॉर मोर सच टैक्स सेविंग आइडियाज़।